वीएचपी के नेता हैं इसलिए बचाए जा रहे हैं विजय शंकर तिवारी। ये बड़ा सीधा सीधा विपक्ष ने आरोप लगाया। नोट्स बना रहा हूं मैं, बड़ा सीधा सीधा आरोप लगाया। रोहित जी मैं कल से एक बात कह रहा हूं, आप देख रहे हैं कि सुमित पत्थर मार रहा है वो आप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कैसे गोली चल रही है ये दिखा रहे हैं, कौन मर रहा है ये दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि योगेश राज का नाम एफआईआर में आपने क्यों डाला है, योगेश राज के खिलाफ आपके पास क्या पुख्ता सबूत है, एक भी पुख्ता सबूत तो दिखाई है आप जिसके कारण एफआईआर में नाम डाला है। तो वो फरार क्यों है, ये मैं कह रहा हूँ वो फरार क्यों है, फिर अगर उसके खिलाफ कोई चीज नहीं है ऐसी तो वो फरार क्यों है, नहीं, नहीं। वो क्यों वीडियो निकाल के ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मैं तो देखिए बताया जा रहा हूँ स्वयं जो निष्कलंक है निरपराध है वो आज हम समझ सकते हैं, आप पहले उसको ही दिखाइए, आप गिरफ्तार करिए। तिवारी जी आदमी आपका, सरकार आपकी, पूरा इकबाल आपको कानून का बचा के रखना है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आदमी फरार है तो कोई बात नहीं पुलिस पकड़े। रोहित जी मैं तो एक बात कह रहा हूँ बार बार कि अगर कोई उनके खिलाफ कोई एविडेंस है तो आप दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे, आपको क्यों दिखाएं, आदमी को पकड़ेंगे अदालत में जाएंगे वहां दिखाएंगे ना कि आपको दिखाएं पहले एविडेंस, पत्थर मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, गोली मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एविडेंस आपको क्यों दिखाएं पहले ये बताइए। इसलिए कि हम मैं कह रहा हूं कि योगेश राज पूरी तरीके से रोहित जी निष्कलंक है, तो सरेंडर करवाइए, कोर्ट में जाके केस लड़ लीजिए, जीत जाइए, किसने रोका आपको, ठीक है वो समय की प्रतीक्षा करिए आप वहां जनता से बयान दिलवाएंगे कि नहीं ये तो रॉबिन हुड था, अगर रॉबिन हुड था तो आप सरेंडर करवाइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की जो कोशिश हो रही है, असली मुद्दा कहीं नहीं भटक रहा, आखिरी सवाल इस बहस का आज यही है कि योगी सरकार में भी गौकशी हो रही है क्या, इस पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये बता दीजिए लड़के का सरेंडर क्यों नहीं। रोहित जी उसका दोष ये है कि वो बजरंग दल का जिला संयोजक है, उसका दोष ये है कि उसने दो मांस, उसका दोष ये है कि वो उस भीड़ का हिस्सा था जिस भीड़ पर आरोप है कि इंस्पेक्टर को उस भीड़ ने मार दिया, तो आप इस बात को नकार सकते हैं, भीड़ में जितने लोग थे सबको बंद कर दे, 28 लोगों के नाम है कि नहीं, केवल 28 लोग नहीं थे प्लस वहां तो सैकड़ों अन्य अज्ञात लोग लिखा है कि नहीं उसने एफआईआर में, आपके पास कॉपी एफआईआर देख लीजिए क्या लिखा। रोहित जी भीड़ में सैकड़ों लोग थे, फिर सबके नाम की रिपोर्ट दर्ज करें, जो कि भीड़ का ही, क्योंकि भीड़ ने मारा तो इसलिए ये कह के छोड़ देना चाहिए साहब, भीड़ ने मारा इसलिए इसका हत्यारा कोई नहीं, अगर भीड़ का हिस्सा है तो भीड़ में 500 लोग हैं तो 500 लोग नाम दे। तिवारी जी अगर भीड़ ने मारा तो क्या ये कह के छोड़ दें सबको आजाद कि भीड़ ने मारा इसलिए इसका कोई हत्यारा नहीं, आखिर क्या मंशा है उसको फंसाने की, उसको केवल ये कि उसने उसने दो मांस, अगर आपके पास वाकई सबूत हैं, उसने एफआईआर दर्ज करवाई, उसका केवल ये दोष है। तिवारी जी आप भी जानते हैं आप जबरदस्ती बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कांग्रेस की सरकार है फंसा देगी, अगर आप कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार है इसको मार देगी, शायद मैं थोड़ी सहानुभूति आपके प्रति दिखाता, अरे सरकार भी आपकी है, करवाइए सरेंडर क्यों नहीं करवाते। रोहित जी मैं सरकार को सरकार मानता हूं, वो सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की है, सपा की है, बसपा की है, हम सरकार को केवल सरकार मानते जी, इस बात को मानिए कि ये लड़के अगर सरकार को केवल सरकार मानते, अपनी सरकार ना मानते तो ये कार्यक्रम नहीं होता जो इस तरीके से हुआ। हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, एक बात देखिए, गांव क्यों गई, गांव के लोग इकट्ठा क्यों हुए, गांव के लोग एक बार नहीं ऐसे विषयों पर बार बार इकट्ठा होते हैं, ये केवल बुलंदशहर का विषय नहीं है, जब भी इस प्रकार की आस्था पर श्रद्धा पर कोई चोट करता है गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें बसपा के लोग भी थे, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, सब लोग थे। मानव हत्या को आप गौ हत्या से ढकने की कोशिश कर रहे हैं।